मैं संजय शैफ हूँ, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक फिजिक एथलीट हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि स्लीप आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इम्प्रूव करती है कि नहीं। देखिए, अगर आप अच्छी और क्वालिटी स्लीप लेते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है। अगर आप वर्कआउट ट्रेनिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उस दौरान आपको अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लेंगे तो दिन भर का जो काम रहता है वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, उस दौरान आप जो भी काम करते हो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट, और अगर उसके साथ में अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं डेढ़ घंटा दो घंटा, मतलब आपके ऑफिस रूटीन के बाद अगर आप वर्कआउट भी करने जाते हैं तो उस दौरान भी आपको एनर्जी चाहिए रहती है, कंसंट्रेशन चाहिए। तो उस दौरान आप ये भी ध्यान रखें कि आपको, आप जब रात में सोते तो एटलीस्ट 7 घंटे से ऊपर की नींद आपको लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे रहेगा, मेंटेन रहेगा। और अगर आप अपनी डाइट में कैफीन लेते हैं तो कैफीन की टाइमिंग को चेंज करें। अगर आप शाम को एक्सरसाइज करने जाते हैं तो 6 बजे के बाद कैफीन इंटेक ना करें। अगर कैफीन इंटेक उस टाइम करेंगे तो वो आपके टेस्ट लेवल्स को और नींद को इफ़ेक्ट कर सकता है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोते समय जब आप बेड पे आ जाते हैं तब ये ध्यान रखें कि जो स्क्रीनिंग होती है मोबाइल की, उसको आप आधे घंटे से 40 मिनट या 1 घंटे पहले ही बंद कर दें। और अगर रात में अगर आप 11 बजे अगर आपको सुबह 7 बजे उठना है तो आपको रात में 10:30 बजे 11 बजे बिस्तर पे सोना ज़रूरी है, तो ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा मेंटेन रहेगा और वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा उसका दिन भर की आगे की जो आपकी एक्टिविटी रहेगी अगले दिन की, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की। और अगर आप अपने साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उस दौरान ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में भी आपको ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। कैफीन की टाइमिंग को चेंज करें, क्योंकि कैफीन जो रहता है वो अफेक्ट करता है आपके नींद को। मतलब मान लो अगर आप शाम को वर्कआउट करने जा रहे हैं तो कैफीन इंटेक आप 2:30-3 बजे लें। अगर आप 6 बजे एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में, तब उससे पहले कैफीन को ना लें, क्योंकि वो 6 घंटे तक अपने बॉडी में रहेगा। और जब आप रात में, क्योंकि 11 बजे सोने जाओगे तो आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए निकोटीन को भी अवॉइड करें, कैफीन को भी अवॉइड करें और उसको सही टाइमिंग के हिसाब से लें, तभी आपको हेल्प मिलेगी। और स्लीप अगर आप 7-8 घंटे की लेंगे रोज़, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट उसको देखने को मिलेगा, अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें संजय सैमुअल फिटनेस को। मैं आपको फिर मिलूँगा, थैंक यू।